हेलो रियन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। इस सेशन में आपके साथ दो एस्पेक्ट्स पे बात कर रहा हूँ। पहला, जो भी स्टूडेंट 2024 बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करने वाले, आप सभी के लिए दो गुड न्यूज़ लेके आए हूँ। अगर आपका किसी भी रीजन की वजह से IBPS क्लर्क, IBPS PO, IBPS SO या फिर SBI PO में सिलेक्शन नहीं हो पाया, अभी SBI क्लर्क का रिजल्ट आपके पास अपकमिंग है, तो किसी भी रीजन की वजह से अगर आपके कुछ कम नंबर रह गए और स्टिल आप तैयारी कर रहे हो बैंकिंग एग्जाम 2024 की, तो एक गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए कि विजन बैंकिंग यूट्यूब पे एक फ्री सीरीज आपके साथ कंटिन्यू की जा रही है, 100 मेंस लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन। ये किस तरीके की पूरी सेशन इसमें कंटिन्यू होंगे, मैं एक बार थोड़ा सा इसका ब्रीफ बता दूँ कि जैसे आपको पता है कि जो हायरार्की होता है एग्जामिनेशन का, दैट इज सबसे टॉप पे SBI PO, IBPS PO, RRB PO, SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क एंड RRB क्लर्क, जो जनरली हमारे 6 एग्जाम्स होते हैं। तो जो आपकी तैयारी कर पाएंगे वो पहले स्टार्ट की जाएगी आरआरबी लेवल के पिछले, आरआरबी क्लर्क के पिछले 3-4-5 सालों के सारे क्वेश्चंस एंड उसी क्वेश्चंस पे फ्रेम किए गए नए क्वेश्चंस को आपको पहले करवाए जाएंगे। फिर आरआरबी क्लर्क, आईपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, आईपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ, इस तरीके से कंटिन्यू होंगे। सो दैट कि स्टेप बाय स्टेप आपका क्लर्क टू पीओ का, मेंस का सारे के सारे डीए आपके साथ कवर करूं और आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन पाए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाए कि नहीं, मेरे से मेंस लेवल का डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है। तो ये पूरी की पूरी 100 मेंस लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन की सीरीज आपके साथ शुरू हो रही होगी 4th of April से विजन बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे। तो आप मेरे को कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताना कि आपके लिए प्रेफर्ड टाइमिंग क्या होगी। कोशिश करना कि मॉर्निंग का टाइम लेने का, मतलब दिन में 2-3 बजे से पहले पहले का कोई टाइम आप चूज करो। एंड अगर आप इवनिंग में जाना चाहते हो तो लेट नाइट कोशिश करना, 10 बजे के बाद आपके लिए कौन सा प्रेफर्ड टाइम है एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सभी के सभी जो भी स्टूडेंट 100 मेंस लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए एक्साइटेड है, आपको लगता है कि आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं वो एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड ऑन कर पाएंगे, और डेफिनेटली अगर आप 2-3 सेशन कंटिन्यू करोगे यू विल गेट टू नो कि भैया कितना बेनिफिशियल सेशन हो रहा है, ठीक है। सेकेंड, अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बिल्कुल ही बिगनर होंगे या फिर जिनकी क्वांट बहुत ही ज़्यादा वीक होगी, उनको तो बिल्कुल फ्रेश है, उनको बिल्कुल स्क्रैच से तैयारी करनी है, तो उन सभी के लिए एक अल्फा कोर्स स्टार्ट हो रही है जिसमें बिल्कुल बेसिक टू मेंस लेवल की हर एक चैप्टर के, हर एक टॉपिक के सारे लेवल आपको करवाए जाएंगे। स्टार्ट फ्रॉम स्पीड मैथ्स एंड फिर आपके पास जितनी अर्थमेटिक की सीरीज है, क्वेश्चन टॉपिक से वो करवाए जाएंगे, अगेन DA के टॉपिक्स वहाँ पे भी करवाए जाएंगे। और ये क्लासेस आपकी हो रही होंगी, जो अल्फा कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ वो आपका हो रहा होगा कल से, दैट मीन्स 3rd of April से सुबह के 11 बजे आपके अपने एप्लीकेशन, विजन बैंकिंग एप्लीकेशन आपके साथ होगा। अगर आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है या फिर आप प्ले स्टोर पर जाओगे, विजन बैंकिंग सर्च करोगे, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर आपकी क्लास हो रही है अल्फा कोर्स, जिसमें प्रिलिम्स टू मेंस लेवल की सारी क्वेश्चंस आपको अर्थमेटिक, स्पीड मैथ्स, DA सबकी करवाई जाएंगे। सुबह 11 बजे से आपका सेशन कंटिन्यू हो रहा होगा, तो मेक श्योर आप विजन बैंकिंग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट कि 100 मेंस लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन का कोई भी सीरीज आपसे मिस ना हो। एंड अगर आप प्री टू मेंस की कंप्लीट डिटेल तैयारी करना चाह रहे हो, डिटेल्स में जिसमें आपके पास बिल्कुल Level 1, Level 2, Level 3 को भी कवर कर रहे होंगे, तो अल्फा कोर्स विजन बैंकिंग एप्लीकेशन पे आपके साथ क्लास हो रही होगी, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़, थोड़ी सी बात है, SBI क्लर्क, जो बच्चे SBI क्लर्क मेंस रिजल्ट का वेट कर रहे ना, अभी IBPS क्लर्क का रिजल्ट आया है, और अगर आप IBPS क्लर्क की वैकेंसीज को कंपेयर करोगे स्टेट बैंक के वैकेंसीज के साथ, आपको पता है कि SBI क्लर्क की वैकेंसीज ज़्यादा थी, है ना। तो आप जिस पर्टिकुलर स्टेट में हो आप एक बार कंपेयर करना कि IBPS क्लर्क की वैकेंसी कितनी थी आपके स्टेट में और SBI क्लर्क की कितनी थी। इफ द डिफरेंस बिटवीन IBPS क्लर्क एंड SBI क्लर्क इन योर स्टेट इज मोर देन 100, तो आप जो भी आपका IBPS क्लर्क का कट ऑफ रहा है -4 -5 कर लेना आप उसमें से, ठीक है। अगर किसी स्टेट का मान लो कि 65 रहे तो 60 तक आपके स्टेट का कट ऑफ जाएगा, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा थी कंपैरेटिवली। IBPS क्लर्क का मेंस बैन नहीं दिया था तो मेरे को आइडिया नहीं, बट एक बार कंपेयर भी कर लेना कि लेवल क्या था क्वेश्चंस का, बट वैकेंसी से भी आपको पता है कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है, अगर वैकेंसी ज्यादा है तो डेफिनेटली कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि इतना भी नहीं था कि SBI क्लर्क बहुत ही ईजी सा शिफ्ट था, पूरा नहीं था ना। तो जितने भी स्टेट, जिस भी स्टेट से आप कंपेयर करना, इफ द वैकेंसीज इज लेसर देन 100, मतलब 100 से ज्यादा है, सॉरी लेसर बोल रहा हूँ, मोर देन 100 है डिफरेंस है, तो डेफिनेटली 3-4-5 नंबर का आपको डिफरेंस आराम से देखने को मिल रहा होगा, माइनस में, प्लस में मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब 60 था तो 56-57 के अराउंड आपका कट ऑफ SBI क्लर्क का होगा, अगर 65 था 61-62 के आसपास होगा, 70 था 66-67 के आसपास आपका SBI क्लर्क का कट ऑफ देखने को मिल सकता है, बोला है,
फिर कमेंट्स में बैठ के ये मत बताना भैया ये बोला आपने, ठीक है। तो तीन अपडेट, दो अपडेट थी मेजरली, कि पहले तो आपकी विजन बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे 100 मिनट्स लेवल डेटा इंटीग्रेशन शुरू हो रही है, अल्फा कोर्स शुरू हो रहा है आपका, एंड थर्ड एसबीआई क्लर्क के बारे में थोड़ी सी अपडेट थी जो मुझे लगा ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो देखते हैं कैसा आता है। वैसे 10-15 दिन में तो आपके रिजल्ट अब आ ही जाएंगे आपके एसबीआई क्लर्क के भी, एलपीटी की तैयारी करते रहो, ठीक है। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग एंड डाउनलोड आवर ऐप विजन बैंकिंग एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर, ठीक है। सी इन द नेक्स्ट सेशन।